जैसे हम सब चाहते हैं अपने जीवन में समृद्धि, तो आ रही है अब हम सभी के समझ निधि। थैंक यू विकास भैया, थैंक यू सर। ऐसे तो मैंने एक कविता लिखी है जो थोड़ा सा टॉपिक से हट के, जैसे आज विकास भैया भी बता रहे थे प्यार के बारे में, तो मैंने ऐसे कविता आपके बारे में लिखी थी, लेकिन मैं वो भी सुनाऊंगी। पहले थोड़ा सा लव के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो एक लोग, सारे लोग जानते हैं प्यार क्या होता है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, पर फिर भी लोग कर ही लेते हैं। तो उसमें मैंने एक कोशिश किया है एक गजल लिखने का। तो एक बंदी या बंदा कोई भी है, उसे प्यार हो जाता है, तो फिर उसके साथ क्या होता है ये देखना है। कई दिल टूटते देखे, प्यार भी छूटते देखे, कई दिल टूटते देखे, प्यार भी छूटते देखे, दिलों को तोड़ देते हैं ऐसे बेवफा देखे, दिलों को तोड़ देते हैं ऐसे बेवफा देखे, न जाने कौन सा जादू तेरे प्यार ने डाला, प्यार का हस्र जान कर भी तुमसे दिल लगा बैठे, प्यार का हस्र जान कर भी तुमसे दिल लगा बैठे। अब दिल लगा लिया तो क्या हुआ, कभी रहते थे दिल में जो मेरे अब पास नहीं आते, कभी रहते थे दिल में जो मेरे अब पास नहीं आते, कभी लत थी मेरी जिनको वो मेरा स्पर्श नहीं पाते, कोई जाकर उनसे पूछे क्यों दिल पे वार कर बैठे, नहीं था प्यार जब हमसे तो क्यों इजहार कर बैठे, नहीं था प्यार जब हमसे तो क्यों इजहार कर बैठे। अब कहती है कि समझ तुमको मैं गर जाऊं, चलो ये जान जाऊं मैं, समझ तुमको मैं गर जाऊं, चलो ये जान जाऊं मैं, प्यार करते नहीं मुझसे बात ये मान जाऊं मैं, ये मेरा दिल ही है मुझसे जो यूं हर बार लड़ता है, इसे मैं कैसे समझाऊं जो तुमसे प्यार करता है, इसे मैं कैसे समझाऊं जो तुमसे प्यार करता है। एक सर के लिए मैंने कुछ लिखा है। सर, चाणक्य की एक बात है कि शिक्षा कभी साधारण नहीं, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पड़ते हैं। ये आपको देख के मुझे ये बात एकदम चरितार्थ होती है, तो मैंने उसी पे कुछ एक, शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे ही चलता है, शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे ही चलता है, शिक्षक का बोया हुआ पेड़ बनता है, वही पेड़ हजारों बीज जनता है, वही पेड़ हजारों बीज जनता है, शिक्षक काल की गति को मोड़ सकता है, शिक्षक काल की गति को मोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है, शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी हूँ यह वसुंधरा भी कहती है, शिक्षक बिन अधूरी हूँ यह वसुंधरा भी कहती है।
याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने ही अपना लोहा मनवाया था, एक शिक्षक ने ही अपना लोहा मनवाया था, सांदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, सांदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं, शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन। लाइन नहीं है। थैंक यू मेरे कंसर्शन प्रेसियस, आपको टाइम बहुत अच्छी रही। एंड अब एक मैं आप सभी के सामने अर्ज करना चाहूंगा, अर्ज किया है मेरी प्रेम कहानी का क्या अजीब एंडिंग था, मेरी प्रेम कहानी का क्या अजीब एंडिंग था, प्रपोज किया था उसे एसएमएस से, कंबख्त उसकी शादी तक ये पेंडिंग था। Like to call a girl जो क्लास में रहना चाहती है बस हमेशा हिट, जो क्लास में रहना चाहती है हमेशा हिट, तो I would like to call now जिसका नाम है जसप्रीत। आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमें सबको, एक छोटा सा एक्ट है वो आज हम आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, शायद आपको बहुत अच्छा एंटरटेनिंग लगे और आपको मजा भी आएगा शादी में, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक्ट के वो सब आ जाओ, विकास, कमल, रागिनी एंड दूसरा एक्ट है। अरे किस्मत की जगह छोड़ो सर, चलो और सबके दिमाग में तो आइडिया होता है, मेरे दिमाग में एयरटेल आ रहा है, सबके दिमाग में तो आइडिया होता है, मेरे दिमाग में एयरटेल आ रहा है। बोल क्या है, आ रहा है आइडिया सुबह सुबह आज के तंग करने, बोल क्या बोलना चाह रही है। बोल क्यों फोन किया था, क्यों मारा मिस कॉल, जल्दी बोल। मिस कॉल मारा, फुल फोन किया था, तेरे को मिस कॉल लगा, लास्ट में देखेंगे तो तेरे को मिस कॉल लगेगा ना, आपसे देखा था फाइट, देखो कितनी जल्दी जल्दी निकालता है, तो बोल ना क्या काम है, सुनना एक काम है, गुस्सा नहीं करेगी, बोल जल्दी बोल, पक्का गुस्सा नहीं करेगी, अरे जल्दी बोल ना, पक्का ना, अरे हाँ बोल ना, मैंने तेरे देखने का मन कर रहा हूँ, आ जा आ जा, तू ही घर आ जा, फिर मेरी माँ से जूता खा के जाएगा तू, आ जा, आता हूँ, आ जाओ ना, मत आइयो, बता दे रही हूँ तेरे को फिर से,
मेरी माँ मेरे बाप को पहचानना बंद कर दे रही है पर तेरी शक्ल नहीं भूल रही है वो। जल्दी आ, तेरा जानी मन जान। हाँ तू आ जा, रखा है आ जा, तू आती हूँ आती हूँ आती आ जा। बावरी हो गई क्या? बाबा वाला मैं बनने बनने वाला, दाढ़ी भी नहीं है मेरी, देखी है? अरे कुछ नहीं होगा, हर चीज में स्वाहा लगा देना है। क्या बात कर रही है? हाँ चल चल, स्वाहा लगा देना है। हाँ हाँ चल चल। जैसे जैसे ओम भूत स्वाहा। ओम भूत स्वाहा, ठीक है चल। ठक ठक, कोई है? अरे रोज रोज ना रोज कोई ना कोई आए जावे। कौन है? कौन है? अरे बना लो, पुराने कुकर बना लो। दिख नहीं रहा हम बाबा है, तुम्हें क्या करूं? और बाबा को बेचा उच्चा दे लाके क्या कर रही है? अंदर बुला, आशीर्वाद देंगे। चल अंदर चल चल। और पानी तो पिला, बाबरी है सारी गाय पिलाई। बाबा को इतने लेट से पानी दिया जाता, आते बाबा पहले दिया कर। मारे घर रोज रोज बाबा आवे तो हम आवे है ना, हम बहुत महंगे बाबा है, दूर से आए हैं, पता नहीं बाबरी औरत। ठीक है बाबा, ठीक है चल पानी पी। अच्छा बाबा आ ही गए तो आशीर्वाद दे के जाए घर में। तो मैंने सुना है तेरा एक बेटा भी है। हाँ हाँ बेटा है मेरा, बुलाइए बुलाइए बुला। बाबा प्रणाम। बोलो पलो, चार बच्चे की माँ बनो। अरे मेरा बेटा है, ये बेटी ना है। आजकल के जमाना में क्या चल रहे, छोरे कान की बालियां पहन रही है, बाल लंबे किए हुए, ये तो लगी दे रही है। बाबा फैशन कब समझोगे? फैशन बिग बाजार सुने हो? ऐसे फैशन तो आग लगे, ऐसे फैशन आग लगे, वैसे भी हम ठेके से आ रहे हैं। बाबा कहाँ के बाबा हो? अरे माँ तुम्हें बेवकूफ बना रहे, कहाँ के बाबा है? बाबा लोग कान की बालियां पहनते थे, भूल गए क्या? तो कान छेदे ही नहीं है, बालियां कहाँ से पहने? अरे पैसा नहीं, तो पैसा देते लोग बाली पहनने से ना। कर रहे ये लोग बाबा नहीं है, देख रहे तू सच की लड़की। अरे बाबा चल ठीक, माफ कर, चल बाबा को प्रणाम कर। सुना थारी छोरी भी है? हाँ है, बोले। चल बेटी। अरे क्या ये छोरी है? मेकअप की दुकान। आजकल की छोरियां भी कितनी खर्च करे मेकअप पे, देख बाबा देख। ऐसे लोगों को नहीं लूटा जा सकता है, ऐसे लोगों पर ही लूटा जा सकता है जो मेकअप में इतने खर्च करते होंगे, वो कितने दान दक्षिणा देंगे? शादी वादी हो रहा है कि नहीं हो रहा तन्ने? ना छोरा नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं पसंद आते है इसे। चल मैं शादी, चल चल आजा, मैं आ तो सही, चल जाओगे? नहीं कैसे? अरे चल कैसे लेके जाओगे हमारी बेटी को? अरे लाओ छोरे मिल गए, देख मैं छोरा हूँ, लड़का लेकर आओ। हम लड़के नहीं है, वैसे ही मैं कुवारा ही हूँ। बेटी की शादी बाबा से करा लूँ तो क्या दिक्कत है? बाबा बाबा भी देख कितने अमीर है, भगवा में आए हुए हैं, पैसे वैसे बहुत कमाते हैं। बाबा भी तो पैसे क्यों मांगने आए हैं? पैसे तो कम हो गए थे अकाउंट में, मैं मांग रहा हूँ शादी करा दे छोड़ी की अपनी। वो हमारे कॉल कर देना था ना, नंबर तो था नहीं, पर ले लेना था किसी से नंबर, यहाँ के नेता है हम। तो बस हम लोगों ने भी ये सारी चीजों में इन्वॉल्व किया है, नहीं निधि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, तुम अपने आप को छोड़ दो ना, तुम अपने आप को प्रेजेंट क्यों रखते हो? जब तुम एक्टिंग करने आ रहे हो, जब तुम कुछ परफॉर्म करने आ रहे हो, कितना बढ़िया तुम लोग कर रहे हो, पता है कहाँ फंस जाते हो? तुम अपने आप को बीच में ले आते हो, अपने आप को बीच में मत लाओ,
जब तुम जहां भी एक्ट में अपने आप को बीच में ले आओगे ना, वो चीज टूट जाएगी। अब तुमको क्या लगता है ना, इतने सारे लोग बैठे बैठे रहे तुम, है ना, कितना बढ़िया सुनना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए आप सभी का धन्यवाद। और अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसा कि हम लोगों ने दिन बिताए, हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, तो मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि मैं विकास कुमार से विकास सिंह कैसे बना। मैं बता रहा हूँ कि ये बात थी क्लास 12 में मैं जाता हूँ। जब मैं क्लास 12 में था तो मैंने देखा, वहां क्लास में पहले दिन गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की जिसका नाम था सालू सिंह, मैंने देखा कि वो लड़की सारे क्वेश्चन तुरंत बनाती है, पढ़ने में बहुत तेज है, वो पढ़ने में वाकई बहुत तेज थी। मेरे मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती थी कि मैं जाऊं और उनसे कुछ सीखूं, उनसे दोस्ती करूं। मैंने साहब में उनसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और बोला कि क्या आप उससे दोस्ती करेंगे। उन्होंने कहा मुझसे कि क्या आपने अपना स्टैंडर्ड देखा है, आप कहां और हम कहां, आप पहले अपना स्टैंडर्ड बनाइए फिर आप हमसे दोस्ती करने आइए। तब ये बात मैंने दिल में पॉजिटिव वे में लिया। मैं इस बात को नेगेटिव वे में ले सकता था, मैं बोल सकता था कि वो गलत बोल दी, फ्रेंडशिप नहीं की। आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि समाज में न जाने कितनी कुरीतियां जन्म ले रही है और किस प्रकार की हो रही है घटनाएं हमारे समाज में। लेकिन मैंने उसे पॉजिटिव वे में लिया। मैंने सोचा कि ये बात तो सही है लड़की की, कि लड़की की स्टैंडर्ड अच्छी है, पढ़ने में तेज है, टॉपर रही अपनी क्लास की। तो मैंने सोचा कि मुझे इससे दोस्ती करने के लिए मुझे भी इससे इसके स्टैंडर्ड में आना चाहिए। तो मैं क्या किया कि पढ़ने लगा, मैं इतना पढ़ा, उसके बाद मेरे मन में इतनी मतलब ज्यादा प्रबलता उत्पन्न हो गई कि मैं पढ़ा। मैं 20 दिन लगातार पढ़ा, 20 दिन में जब लगातार पढ़ा तो मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स शुरू आने को लगे। 50 out of 50, 50 out of 50, हर बार मैंने तब से 50 out of 50, इट मींस मैंने फुल स्कोर किया आज तक। मैंने उस बात को एक पॉजिटिव वे में लिया। इसी का नतीजा है कि आज आप सभी के सामने भी मैं विकास कुमार से विकास सिंह हूँ। तो मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे समाज में जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, जब लड़की आपसे दोस्ती ना करना चाहे या फिर वो आपके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देती है, तो आप उसे नेगेटिव वे में ना लें बल्कि आप उसे पॉजिटिव वे में लें। जैसा कि हमें अवध सर ने सिखाया कि हम लोग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को अगर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बदल दें तो हम लोग लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने अपने डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव में बदल के देखिए आज आप सभी के सामने खड़ा हूँ और मेरे इंटर के सभी मेहमान अच्छे आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग समाज में बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जो हमें नेगेटिव रिप्लाई मिलता है, तो अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना लेके हम पॉजिटिव वे में लें तो हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदल कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आई वुड लाइक टू कॉल जसलीन और नाउ आगे बढ़ाने के लिए हमारे कार्यक्रम को, प्लीज वेलकम जसलीन। आपने इतना इंकरेज किया हम सबको, अपनी आप भी थी, बताया आप भी थी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो इंसान जो सीखा हुआ रहता है उन्हीं से हम लोग भी सीखते हैं, है ना। बिल्कुल, तो अभी एक एक्ट है, एक छोटा सा एक्ट है, उस एक्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नटखट बच्चा जी। बाद में टीचर हमारी बैठे बात करेंगे।
अरे भाई, हम लोग स्कूल में इतना बंक मार रहे हैं, हम लोग का अटेंडेंस का क्या होगा? अरे हाँ मैं ना, हम बाकी संभाल लेंगे, तुम्हारा टेंशन उतना मत लो, हम बस छोड़ देते हैं। कैसे करोगे भाई? अरे कर लेंगे, तुम हम पे छोड़ो ना भाई। गार्जियन हम लोग का बोलेगा, हम समझ लेंगे, एग्जाम हम लोग इस बार देंगे। बोल रहे एक काम कर लेना, रजिस्टर निकाल के लाना। स्कूल से निकाल देंगे, वहां से तो जाओगे, इधर वापस आओगे तो हम लोग मार देंगे। रजिस्टर लेके आना है किसी भी करके। चलो फिर बुलाना बात। हम मैम को, वहाँ मैम है गेट के पास, हम मैम को संभालते हैं। कुछ हुआ नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा, रजिस्टर बस लेके आओ। कुछ हुआ तो हम है ना, हम पे छोड़ो सर। ब्रांड है, ब्रांड नाम नहीं जानते हो। ब्रांड है, ब्रांड अच्छा मैम आप कहाँ रहते हैं? नंबर चाहिए था आपका थोड़ा। क्या करोगे? नंबर नहीं, बस ऐसे चलते हैं। बता के जो काम क्या था। अरे भाई हो गया ठीक है। आएगा
भी बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा था। एक और एक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, यूपी वाली दीदी और नटखट वाली दीदी। तो दानिश है ना, दानिश वो ऐसे ही गोरा चिपका है। लाइन आ गया, लाइट 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 आ गई, इसको चालू कर दीजिए। कमल चेक करना। आज सभी को मेरा नमस्कार। आज सभी को मुन्ना भैया का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्या बताने वाले हैं आप? दीवानों का हाल। दीवानों का हाल कैसा है? दीवानों का हाल जैसे ही है। अरे मेरे जैसे कहाँ दीवाने होते हैं। एक कला मिलोस है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जा। यार जी के क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। और एक होते हैं इनोसेंट, मेरे जैसे एकदम। मैं लड़कियां नहीं देखता, मैं लड़कियों को सुनता नहीं, मैं लड़कियों को कुछ बोलता नहीं। घर जाके देख, मोबाइल देखेंगे, छुरा बोल के तो होश नहीं रहे। तुम्हारे जैसे रहते हैं एक लौंडे, मोबाइल में ही चलेंगे। आपने ये कहां देखा? देखा मैंने रोड चलते देखा, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। तो क्या बाल काले हो गए? बाल काले हो गए दुनिया देख देख के। क्या देखा तुमने? बता दी है खाली लड़कियां। मैंने देखा चोरियों को, चोरियों को देखा कि बुक में स्कूल जाएगी, किताब खोलेगी और ध्यान है दाहिना तरफ। लड़की की इधर देख रही है, लड़की पहले देखी, लड़की देखी, लड़की कहाँ पे देखी? उसका आप लव ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ी है क्या? एकदम मेरे मास्टर वो सब नहीं पढ़ाते, वो बहुत गंदी चीज़ है। यूपी से है क्या तुम्हारे मास्टर? बिल्कुल।